नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा ने आगामी धान कटाई सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन पर गंभीरता से कार्य करना आरंभ किया है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ सोशल प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को पराली न जलाने की अपील निरंतर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी नियमित रूप से फील्ड में कृषि उपनिदेशकों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने कृषि उपनिदेशकों के साथ साथ सभी जिलों के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर फसल अवशेष प्रबंधन को एक अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि पराली न जलाने वाले किसानों को एक राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के हाथों सम्मानित करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में पराली न जलाने वाले किसानों को विशेष रूप से सम्मानित करवाएं। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र खरीदने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा CHC के माध्यम से कृषि यंत्र खरीदने के लिए 80% अनुदान व व्यक्तिगत रूप से यंत्र खरीदने पर 50% अनुदान देने का प्रावधान किया है तथा इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से 137 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। देखिए पल पल की यह रिपोर्ट।